साइड के डोली लगा करके, कहने का मतलब ये है कि यहाँ आठ आठ मजदूर, दस दस मजदूर काम करते थे, तीन से चार मजदूरों से काम चलना चालू हो गया किसान भाइयों का। थ्रेसर का साइज चौड़ा है और साइडों में टकराता है। किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसका जो एलिवेटर है वो फोल्डिंग कर दिया। एलिवेटर फोल्डिंग होने से एक फिट यानी कि 13 इंच तक ये थ्रेशर जो है संगड़ा हो गया, ताकि जो है संगड़े रास्तों के अंदर रोड के ऊपर किसान भाई को चलने में कोई दिक्कत ना आए। ये भाई ग्राउंड नट थ्रेसर है और साथ में डिगर भी है। ये NVT कंपनी के यहाँ पर आया हुआ था। आज आप लोगों ने इन थ्रेसरों के बारे में खास बातें बताऊंगा और साथ के साथ में इनका जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ जमींदार भाइयों के लिए, इन पे जैसे लोन सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे आप लोन पे भी इनको ले सकते हो, खरीद सकते हो। और साथ के साथ में जैसे बात करें भाई, गवर्नमेंट जो सब्सिडी अप्रूव्ड सब्सिडी है वो भी आप इन पर प्राप्त कर सकते हो। आज इस वीडियो में ना इन थ्रेसरों के बारे में, डिगर के बारे में और थ्रेसर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ में जो कॉन्टैक्ट नंबर है बात करें भाई कॉन्टैक्ट की, अगर इसके बारे में अगर और अधिक जानकारी लेनी है लोन को लेकर या सब्सिडी को लेकर, आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इनसे और अधिक जानकारी ले सकते हो। और वीडियो में जैसे जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो डिटेल्स हैं वो बताऊंगा। अपन यहाँ पर दो प्रकार के थ्रेसर हैं, एक बैक टोकरी, एक साइड टोकरी और साथ में डिगर भी है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और अधिक और जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट करें। तो नमस्कार मक्खन सिंह जी। नमस्कार जी सर। एक बार वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उनके तमाम किसान भाइयों का NVT की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। तो सर ये अपने जैसे जो मूंगफली वाले जो थ्रेसर हैं और डिगर हैं, तो इनका खास बात बताओ जैसे जमींदार भाइयों की, जैसे क्या डिमांड रहती है और आपने क्या क्या इसके अंदर जमींदारों को ध्यान में रख के जो क्या क्या चीज़ें डालनी इसके अंदर? किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जो ग्राउंडनट का यानी मूंगफली का थ्रेसर है उसमें पहले ये सैड डोली का बनता था। सैड डोली के पास लेके चलते हैं आपको। ग्राउंडनट पहले इसके क्या था, ऊपर टोकरी लगा करती थी, उसके बाद में ग्राउंडनट जो मूंगफली का थ्रेसर है इसकी साइड के अंदर डोली लगाई। साइड के डोली लगा करके, कहने का मतलब ये है कि यहाँ आठ आठ मजदूर, दस दस मजदूर काम करते थे, तीन से चार मजदूरों से काम चलना चालू हो गया किसान भाइयों का। आपने जैसे इस मजदूरी लेबर कम करी, हाँ, जिससे जमींदार को ज्यादा ज्यादा पैसा बचा है। हाँ, उसके बाद में ये डबल फैन और डबल व्हील का थ्रेशर है। डबल फैन, एक फैन तो पंखे से चलने को माल के उठाने के लिए, दूसरा ये एयर फैन लगा हुआ है मूंगफली को, या मूंगफली के अलावा, मूंगफली तो है ही है लेकिन मूंगफली के अलावा अन्य फसलों को साफ करने के लिए ये दूसरा एयर फैन भी लगाया गया है। और किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो एयर फैन जो है ना, ये मूंगफली को दूर फेंकने की भी कैपेसिटी है इसके अंदर। ये देखो, अगर मिट्टी है मूंगफली के अंदर, ये चलना साथ में दिया, ये उतर जाएगा और आगे एक छाला लगा हुआ है, छाला लगा के एयर फैन की हवा उधर से खुल जाएगी, ये हवा बंद हो जाएगी और मूंगफली 10 से 15-20 फुट तक दूर चली जाएगी। अच्छा, उससे जैसे किसान की जो जो जरूरतें हैं, एक बार थ्रेसर से, एक बार आप थ्रेसर में डाल, जैसी आपकी डिमांड हो उस तरीके से प्रॉपर फसल निकाल देगा। दूसरा जो क्या है, खुले संकड़े रास्तों के अंदर, ये देखो किसान की डिमांड थी कि थ्रेसर का साइज चौड़ा है और साइडों में टकराता है। किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसका जो एलिवेटर है वो फोल्डिंग कर दिया। एलिवेटर फोल्डिंग होने से एक फिट यानी कि 13 इंच तक ये थ्रेशर जो है संगड़ा हो गया, ताकि जो है संगड़े रास्तों के अंदर रोड के ऊपर किसान भाई को चलने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, इसी चौड़ाई कम होने से सिर्फ पेड़ पौधों में लग के टूटने का डर भी रहता था थोड़ा सा, वो मेंटेनेंस भी खत्म होगी इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड नट थ्रेशर के अंदर इसका एक्सल जो है चौड़ा कर दिया। अच्छा, एक्सल चौड़ा हो गया ताकि ऊपर खबर रास्तों के अंदर जो किसान भाई थोड़ा बहुत अभी अगर वो लापरवाही से चलाएं तो ये थ्रेसर पलटा ना खाए। ये देखो चेचिस के बीच में काफी ज्यादा जगह का गैप हो गया और जो है इसलिए ये पलटा खाने की, कई बार जैसे डोल वगैरह कूदते हैं तब भी एक पलटी खा जाते हैं, तो अभी वो समस्या खत्म होगी उसमें, लगभग नामात्र रह चुकी है इसके अंदर। ठीक, और दूसरा जो है किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों का ये फोन आते हैं कि सर हमें मूंगफली को जमीन से उखाड़ने के लिए क्या प्रोडक्ट है आपके पास, तो किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये डिगर बनाया है, NVT किंग मॉडल। अच्छा, NVT किंग मॉडल डिगर, NVT किंग मॉडल ये डिगर इसी साल लॉन्च किया गया, बिल्कुल नया मॉडल। ठीक ठीक, अब किसानों जैसे इसमें मजदूरी का भी फायदा मिला, वजह से काम जल्दी करेगा और जल्दी करके, हमारा मानना है जो 20 मजदूर पूरे दिन के अंदर खेत में काम करेंगे, ये डिगर 20 मजदूरों का काम केवल 1 घंटे में करेगा। अरे वाह, इससे तो टाइम भी बच गया और मजदूरी भी, दोनों चीजें, लेबर भी बच गई। और इसका जो अगर डिगर की बात करें, ये 5.5 फीट, 6 फुट, 6.5 फुट और 7 फुट तक के सहज NVT के पास उपलब्ध है। ठीक, और ये इसके साइडों में हैवी ड्यूटी की जो तवे लगे हुए हैं, ये बॉर्डर जो है सीमा रेखा को निरंतरण करेंगे, और नीचे इसका ब्लेड लगा हुआ है वो बेलों को काट देगा,
अगर किसान चाहिए तो 3 इंची 3.5 इंची 4 इंची 5 इंची किसान चाहे उतना इसको जमीन में गाड़ सकता है। और ये फीडर सिस्टम के माध्यम से चैन के माध्यम से ऊपर ये बेलें आ जाएगी और ये जंपिंग से जब चलेगा ये जंप लेकर के मिट्टी को झटका देगी और जो है बेलें पीछे गिर जाएगी, मिट्टी नीचे गिर जाएगी। ठीक ठीक, इससे मूंगफली ऊपर रहेगी और बाद में उठा सीधा डायरेक्ट थ्रेसर में डालो और थ्रेसर से सीधा ट्रॉली में डालो। और इसकी ज़्यादा जानकारी हमारे NVT यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाई ले भी रहे हैं और ले भी सकते हैं। ठीक, और तीसरे अगर अपने वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल अगर की बात करें तो ये NVT का जो ग्राउंडनट थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर, अच्छा बैक टोकरी के अंदर ये दोनों मॉडल है, ये गीला माल नहीं सूखा माल निकालने वाले हैं। सूखा माल निकालने वाले, बिल्कुल इसमें ग्राउंडनट है वो सूखा निकलेगा। ग्राउंडनट के अलावा इसमें मूंग उर्द भी निकल जाएगा, सोयाबीन भी निकल जाएगा, मटर भी निकल जाएगा और जो है मूंगफली का तो ये स्पेशलिस्ट है ही थ्रेशर। ठीक ठीक, इसको क्या है कि इसकी डोली को बैक कर दिया पीछे, वो साइड में डोली था ये बैक डोली के अंदर बना दिया। तो ये किसानों की डिमांड थी बेसिकली जो। हाँ, बिल्कुल, क्या है कि किसान थोड़ा बहुत अगर लापरवाही से चले तो उसमें पलटा खाने की भय था और डोली को ऊंचा नीचा करना पड़ता था इस खेत में दूसरे खेत में जाने से, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इसकी बैक डोली मल्टी ग्रुप क्रिया होगी और सबसे बड़ा इसमें रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा भी लगा दिया। ठीक ठीक ठीक, जो किसान अगर चाहे तो इसको जो है रिवर्स और फॉरवर्ड अपना जैसे माल को वापस भी निकाल सकता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है जैसे कि ड्रम के अंदर डोंगले इकट्ठे हो गए तो किसान इसके अंदर खिड़की लगी हुई है, अच्छा करते ही ये वापस जो है डोली के अंदर रिटर्न आ जाएगा माल। ठीक ठीक जी, तो इससे किसान का जो ग्रेन लॉस नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अच्छी चीज आपने फीचर दिए, छोटे छोटे हैं सुविधा। डबल गियर बक्सा लगा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड कम पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल ही लोड कम पड़ता है ट्रैक्टर के ऊपर इसमें। ठीक ठीक जी, यहाँ से अपना जो वेस्टेज है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सफाई के लिए आपने जैसे कोई फैन एक्स्ट्रा फैन लगा इसमें? बिल्कुल, इसके अंदर एयर फैन भी लगा हुआ है, जैसे इसका पंखा बहुत बड़ा पंखा है जो चलने में काम करता है, उसके बाद में इसका एयर फैन और फिल्टर ये दोनों ज्वाइंट है, ये एयर फैन का काम करेगा, नीचे से वो देखो इसका आगे वो जाबा लग जाएगा, थोड़ा छाला लग जाएगा और वो फिल्टर का काम करके मूंगफली को 10 से 15-20 लीटर दूर चले जाएगी। और साथ में गंदगी कोई बाहर फेंके, सफाई करते हैं उसकी प्रॉपरली, तो क्लीन है जो भी है। ठीक ठीक जी, तो जैसे बात करें जैसे लोन को लेकर और गवर्नमेंट की सब्सिडी को लेकर क्या सुविधा दी? कोई भी प्रोडक्ट है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को जो कि लोन की सुविधा प्रोवाइड करवा जाती है। अच्छा, हर प्रोडक्ट पर अपने लोन सुविधा है और साथ में गवर्नमेंट सब्सिडी सब मिलेगी। मल्टीक्रॉप सेट टोकरी और ये मल्टीक्रॉप थ्रेसर के ऊपर और भी कई प्रोडक्ट हैं जिन पर किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक ठीक, तो सर कॉन्टैक्ट नंबर एक बार थोड़ा बता देते हैं आप भी अपनी तरफ। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो 9918279444 यानी 9998-27944 पर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या NVT यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जानकारी किसान भाई ले सकते हैं। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर होने से ये होता है जमींदार के अंदर कुछ छोटे मोटे जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर कोई शंका होती है तो आपसे कॉल करके इन चीज़ के बारे में जानकारी ले सकता है। दिल्कुल, दिल्कुल। तो चलो जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है बड़े अच्छे तरीके से क्योंकि किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जय जवान जय जय किसान।